हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRDAI के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे IRDAI क्या होता है, इसके मेन रिकमेंडेशन क्या है, इसके एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। IRDAI इसकी फुल फॉर्म क्या है? IRDAI इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी वो अथॉरिटी जो इंश्योरेंस के रिलेटेड जितने भी वर्क्स होता है इंडिया में उसको रेगुलेट करती है। IRDA इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। ये क्या है? एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक ऑटोनॉमस एजेंसी है। इट इज एन रेगुलेटर ऑफ द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्री। मतलब इंडिया में जितनी भी इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है और री इंश्योरेंस की इंडस्ट्रीज है उनको रेगुलेट कौन करता है? IRDAI। ये किसको रेगुलेट करती है? इंश्योरेंस कंपनीज जितनी भी है इंडिया में उनको, इतना इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है उसको रेगुलेट करती है। आइए जानते हैं इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। IRDA कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द अप्रैल 2000। ये कब आया था? 2000 में। और इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इन 2001 द हेडक्वार्टर वॉज शिफ्टेड टू द हैदराबाद तेलंगाना। पहले इसका जो हेडक्वार्टर था वो दिल्ली में था, लेकिन 2001 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट कर लिया गया हैदराबाद तेलंगाना में। IRDA एक्ट वॉज पास्ड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट 7 जनवरी 1994। यानी ये किसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, किसके रिकमेंडेशन पे पास हुआ था? मल्होत्रा कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से इसको उस रिकमेंड उनकी कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसको बनाया गया था। इट वॉज हेडेड बाय मिस्टर R.N. मल्होत्रा, वॉज रिटायर्ड गवर्नर ऑफ RBI। इसका हेड कौन था? हेडेड बाय किसने किया था इसको? R.N. मल्होत्रा ने, जो कि एक रिटायर्ड गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इट वॉज एट्रीब्यूटेड बाय द IRDAC 1999। और मैन ये कब एग्जिस्टेंस में कब आया? ये एग्जिस्टेंस में आया ये 2000 में। अब इसकी मेन रिकमेंडेशन क्या है? मेन रिकमेंडेशन इसकी पहली जो है एंट्रेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, यानी जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसमें प्राइवेट जितने भी सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर की एग्जिस्टेंस एंट्रेंस होनी चाहिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। दूसरी है फॉरेन प्रमोटर्स, सेकंड रिकमेंडेशन इज फॉरेन प्रमोटर्स। थर्ड एंड इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर इंश्योरेंस। और ये क्या है? इंश्योरेंस जितनी भी है इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है उसकी क्या है? इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें एक चेयरमैन होता है जिसको 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। 5 होल टाइम मेंबर्स होते हैं इसमें और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं लेस देन 5 ईयर्स के लिए। तो ये क्या है इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और इन सबको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो चेयरमैन है, 5 होल टाइम मेंबर्स है, इसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आइए अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके रोल क्या है, किस लिए बनाया गया है। पॉइंट नंबर 1, टू प्रमोट द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द पॉलिसी होल्डर। यानी जो पॉलिसी होल्डर होते हैं जो इंश्योरेंस कराते हैं उनके इंटरेस्ट को और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू प्रमोट द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स। पॉइंट नंबर 2, टू प्रमोट एंड
इंश्योर द ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है इंडिया में, उसको प्रमोट करने के लिए और इसको उसकी ग्रोथ करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। पॉइंट नंबर 3, टू इंश्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ द जेन्युइन क्लेम्स एंड टू प्रमोट द प्रोटेक्ट्स द फ्रॉड्स एंड माल प्रैक्टिसेस। यानी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जितनी भी माल प्रैक्टिसेस होती है, जितने भी फ्रॉड्स होते हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करता है, और जो इंश्योरेंस सेटलमेंट क्लेम्स होते हैं उनको स्पीड करने के लिए इसको बनाया गया, उसमें भी ये हेल्प करता है। पॉइंट नंबर 4, टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द डीलिंग विद द इंश्योरेंस। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है इसका, टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द डीलिंग इन द इंश्योरेंस। तो ये 4 पॉइंट क्या है, ये 4 पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंश्योरेंस। यानी पहला क्या है, टू प्रमोट द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द पॉलिसी होल्डर। पॉइंट नंबर 2, टू प्रमोट एंड इंश्योर द ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। पॉइंट नंबर 3, टू इंश्योर द स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन क्लेम्स एंड टू प्रोटेक्ट द फ्रॉड्स एंड माल प्रैक्टिसेस। तो ये 4 पॉइंट थे, ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल। ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं आप, रोल भी कह सकते हैं, IRDAI के। अब फंक्शंस क्या होती है इसकी, आइए जानते हैं इसकी फंक्शंस क्या होती है। पॉइंट नंबर 1, इट इशू द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड रेगुलेट देम। पहली फंक्शन, जो मेन फंक्शन है इसकी, वो क्या कर है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन, जो इंश्योरेंस कंपनीज को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन कौन देता है, IRDAI, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स। पॉइंट नंबर 2, ये जो पॉलिसी होल्डर होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, तो ये क्या है, इसकी फंक्शंस है। पॉइंट नंबर 3, इट प्रोवाइड द लाइसेंस टू द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स सच एज एजेंट्स ब्रोकर्स आफ्टर स्पेसिफाइंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड सेट द नॉर्म्स एंड कोड ऑफ द कंडक्ट फॉर देम। ये क्या करता है, इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज जितने होते हैं, जैसे कि एजेंट्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करता है, उनकी क्वालिफिकेशन चेक करने के बाद, और उनके लिए नॉर्म्स भी ये सेट करता है और कोड ऑफ कंडक्ट भी सेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, फोर्थ फंक्शन है इसकी, इट प्रमोट्स एंड रेगुलेट द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द इंश्योरेंस बिजनेस टू प्रोवाइड एफिशिएंसी इन इंश्योरेंस। जितने भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में या इंश्योरेंस बिजनेस में, उनको प्रमोट्स और रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है, कौन प्रमोट करता है, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पॉइंट नंबर 5, इट रेगुलेट्स एंड सुपरवाइज द प्रीमियम रेट्स एंड टर्म्स ऑफ द इंश्योरेंस कवर्स। जो प्रीमियम रेट्स होते हैं इंश्योरेंस के, उनको रेगुलेट और सुपरवाइज कौन करता है, IRDAI, ठीक है। इट रेगुलेट सुपरवाइज द प्रीमियम रेट्स, तो ये क्या इसकी फंक्शन है। पॉइंट नंबर 6, इट स्पेसिफाइज द कंडीशंस एंड मैनर्स अकॉर्डिंग टू विच द इंश्योरेंस कंपनीज एंड देयर इंटरमीडिएट्स हैव टू मेक देयर फाइनेंशियल रिपोर्ट। पॉइंट नंबर 7, इट रेगुलेट्स द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होल्डर्स फंड्स बाय द इंश्योरेंस कंपनी। जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होल्डर्स होल्डर्स की फंड्स होती है, उनको रेगुलेट कौन करता है, IRDAI। तो ये 7 क्या थे, 7 पॉइंट्स क्या थे, फंक्शंस ऑफ IRDA। तो आई होप कि आपको IRDA के बारे में समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।